अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब भोगी बाबा है चोर चमार। फिर सामने आया ओझा सर का जातिवाद। समाज के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। बुद्धिस्ट लोगों को कहा चोर चमार। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब भोगी बाबा है चोर चमार। इतने बड़े जातिवादी हैं ओझा सर। पहले बाबा साहेब की तारीफ करके नाम कमाया और फिर अपना जातिवादी एजेंडा आगे बढ़ाया। ये आरोप ओझा सर नाम के उसी टीचर पर लग रहा है जो वीडियो के जरिए कोचिंग दिया करते हैं। अवध ओझा नाम के इस टीचर का सारा ज्ञान अब जाति के इर्द गिर्द ही सिमट गया है। कभी ये जय भीम बोलने वालों के बारे में टिप्पणी करते हैं तो कभी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक बाल गंगाधर तिलक का बचाव करते हैं। हाँ तो ये हो गई कि अब ये ओझा सर खुलेआम अपनी क्लास में चोर चमार जैसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। समाज के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब भोगी बाबा है चोर चमार। अवध ओझा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 10 सेकंड के इस वीडियो में ओझा सर बुद्धिस्ट लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी भाषा देखकर क्या कोई कह सकता है कि एक शिक्षक हैं? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर ओझा सर ने पूरी शिक्षक बिरादरी को ही बदनाम कर दिया है। ओझा सर की जातिवादी टिप्पणी के बाद से बहुजन समाज के लोगों में रोष है। सोशल मीडिया पर लोग ओझा सर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब एक शिक्षक के मुँह से छात्र ऐसी टिप्पणियाँ सुनते होंगे तो उन्हें क्या सीख मिलती होगी? उनके ये वीडियो देखने वालों के जहन में भला क्या विचार आता होगा? अवध ओझा एक यूपीएससी कोच हैं जो ओझा सर के नाम से जाने जाते हैं। ओझा सर यूट्यूब चैनल के जरिए एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। यूपी के गोंडा में पैदा हुए ओझा सर ने आईएएस की तैयारी की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए तो कोचिंग क्लासेस चलाने लगे। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर की तरह वीडियो बनाकर वायरल करते रहते हैं। ओझा सर पर आरोप है कि उन्होंने लोकप्रियता हासिल करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे बहुजन नायक नायिकाओं के बारे में वीडियो बनाए और जब वो वायरल हो गए तो अपने जातिवादी एजेंडे पर वो वापस लौट आए। सोशल मीडिया पर लोग उन पर जातिवादी होने और दलित बहुजनों के खिलाफ कैंपेन चलाने का आरोप लगा रहे हैं। उनके ताजा वीडियो ने इस विवाद को और ज्यादा हवा दे दी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि द न्यूज बीक अम्बेडकरवादी पत्रकारिता यूं ही करता रहे तो आपको हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिए। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे हम तक अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। क्यूआर कोड के अलावा आप हमारे अकाउंट डिटेल्स में भी सीधे धनराशि भेज सकते हैं। साथ ही आप यूपीआई के जरिए भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हम तक पहुँचा सकते हैं। आप 12A और 80G का सर्टिफिकेट लेकर इनकम टैक्स में रिबेट भी हासिल कर सकते हैं। आपसे अपील है कि हमें सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुजन मीडिया ही आपका अपना मीडिया है, इसलिए बहुजन मीडिया को ताकतवर जरूर बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज बीक।